दिल्ली के आसमान में स्मॉग है तो क्या हुआ, शहरों में ट्रैफिक है तो क्या हुआ जनाब। आज दिन है फ्राइडे का और ये दिन स्पेशल होता है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि आज होती हैं बेतहाशा फिल्में रिलीज। ऐसी एक फिल्म रिलीज हुई है इरफान खान और पार्वती स्टारर करीब करीब सिंगल। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और फिल्मी बीट की टीम आ पहुंची है ये जानने के लिए कि आखिर फिल्म कैसी है। रिव्यूज थोड़े पॉजिटिव भी हैं, थोड़े नेगेटिव भी हैं, लेकिन जानते हैं जरा पब्लिक से क्या कहती है वो फिल्म के बारे में। ठीक थी, अच्छी थी, सेकंड हाफ बोरिंग है थोड़ी सी, लेकिन फर्स्ट टाइम मूवी है। इरफान खान की फिल्म है, साथ में उनके पार्वती हैं, दोनों में से कौन बेहतर है? दोनों ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इरफान खान इज़ वेरी गुड एक्टर एंड ठीक है। मतलब 40 साल की अधेड़ उम्र में इरफान अपनी इश्कबाजी दिखा रहे हैं, वो कैरेक्टर कैसा लगा? वेरी नाइस। इरफान पसंद है? बहुत। पहले की फिल्मों से ये वाली फिल्म ज़्यादा अच्छी है इरफान की या पहले वाली ज़्यादा? पहले वाली ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं इरफान थोड़े कमज़ोर पड़े? थोड़े से हाँ। स्टार देने हो तो कितने देंगे 5 में से? 3। 3 स्टार? यस। थैंक यू। अरे भाई बहुत बढ़िया थी। बढ़िया थी फिल्म, अच्छा क्या लगा? वो ही सब, इरफान या पार्वती? दोनों। बहुत। पार्वती कैसी लगी? बहुत बढ़िया थी। आपको क्या लगा, प्लस पॉइंट क्या है फिल्म का? 5 मुझे, 4। कितने स्टार? 5 दो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई पिक्चर फिल्म तो ठीक थी, बट इरफान खान पे ही है सारी फिल्म। इरफान खान पे। और पार्वती? पार्वती ज़्यादा अच्छी नहीं है, आंटी लग रही है वो तो। अच्छा, वो आंटी लग रही है आपको। स्टार कितने देंगे आप 5 में से? 5 में से मैं दूंगी 3। अच्छा, फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ। और सेकंड हाफ क्यों गड़बड़े? बोरिंग है लोगों को ये, मैं तो सो भी गई थी। ये फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए? इसमें रियल लाइफ दिखाई है बस, और कुछ नहीं है कि रियल लाइफ में क्या है और क्या नहीं है, बस ये। हाँ हाँ, मैच कर दिया। क्यों ना देखें? ये इसमें गलत थिंकिंग भी है कि अगर लोग भीड़ो है तो उसे बार बार रियलाइज कराया गया कि भीड़ो है, वो चीज़ गलत है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए भीड़ो है। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि रिव्यूज़ के मामले में कहा जा रहा था कि फिल्म दमदार हो सकती है। हो सकती थी, मैंने भी रिव्यूज़ देखे थे, इसका ट्रेलर देखा था, तो कुछ डायलॉग्स हैं जिनकी वजह से देखने का मेरा भी मन हुआ जब भी मैं आया देखने। फिल्म को इरफान खान खींच रहे हैं या पार्वती? इरफान खान। पार्वती को इससे पहले आपने देखा है? नहीं। आपको उनके बारे में पता है? नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग से देख के लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है। फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़्यादा बेटर है या सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है। कितने स्टार देंगे? हाउ मेनी स्केल? 4 स्टार्स। 4 स्टार आप फिर भी देंगे? चलिए, थैंक यू सो मच। वो भी इरफान खान की वजह से। इरफान खान की वजह से। मतलब इरफान खान पहले की फिल्मों में ज़्यादा बेहतर या इसमें कुछ ज़्यादा मच के निकल आए? उसकी तो कंटिन्यू मतलब यही कॉमेडी रहती है और अच्छा करते हैं। मतलब 40 की अधेड़ उम्र में वो फिर भी इश्कबाज वाला जो इनका स्टाइल है वो आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा। थैंक यू सो मच। तो देखा जनाब आपने, तनुजा चंद्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म करीब करीब सिंगल है, इरफान खान पार्वती स्टारर। लोगों ने कहीं पर तारीफ की तो कहीं पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताए हैं। किसी ने दिए 3 स्टार तो किसी ने दिए हैं फिल्म को 4 स्टार। इरफान की एक्टिंग की तारीफ है, फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकेंड हाफ बोरिंग है, ऐसा कहना है पब्लिक का। फिलहाल ये था फिल्म करीब करीब है का पब्लिक रिव्यू। फिल्मी बीट में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को और कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म।